बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार नए नए आदेश जारी होने से परेशान NHM स्वास्थ्य कर्मियों का विभिन्न मांगों के समर्थन में कार्य बहिष्कार के साथ बेमियादी हड़ताल जारी है। इस क्रम में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित PHC परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल NHM स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को विभागीय आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध जताया और धरना में शामिल होकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी किया। इधर बुधवार को कर्मियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाकर अपने आक्रोश का इजहार कर नारेबाजी किया। साथ ही सरकार के खिलाफ समान काम के बदले समान वेतन लागू करो, सुविधा दो, हमारी मांगे पूरी करो, हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसर शाही नहीं चलेगी समेत विभिन्न प्रकार के नारेबाजी किए। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फेस अटेंडेंस मनाने को लेकर आदेश पारित किया गया है, जबकि अब तक स्वास्थ्य कर्मियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सका। स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों में 4 माह से लंबित वेतन का भुगतान अविलंब करने, CHO कैडर बनाकर नियमित करते हुए बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने, FRAS जैसा अव्यवहारिक व अविवेकपूर्ण आदेश वापस लेने, स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय आदि की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने समेत अन्य मांग शामिल है। बताते चले कि बीते सोमवार से अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में सभी NHM स्वास्थ्य कर्मी कार्यों का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इन स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने से प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मौके पर CHO दयानंद प्रसाद शाह, GNM विनय सिंह, GNM देवेंद्र शर्मा, CHO अर्चना कुमारी, CHO जितेंद्र, ANM अर्चना कुमारी, शिवरानी कुमारी, अन्नू कुमारी, निशी, टिंकल सिन्हा, प्रीति कुमारी, कंचन कुमारी व GNM रिंकपाल समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्या मांग है, क्यों धरना पे बैठे हो? हम लोग NHM कर्मी है, CHO, GNM, ANM सब है। हम लोग का FRS पे अटेंडेंस बनाने को लेकर कहा गया है 9 से 5 बजे तक, जबकि सिर्फ संविदा कर्मी के लिए ही कहा गया है। इस स्वास्थ्य विभाग में नियमित कर्मी, संविदा कर्मी दोनों हैं, नियमित के लिए ये चीज़ नहीं है, सिर्फ संविदा कर्मी के लिए रूल बनाया गया है। हम लोग का सेंटर पे मूलभूत सुविधा अभी तक जैसे बिजली, पानी, अनइंटरप्टेड बिजली जो है सो होना चाहिए, पानी आरो साफ पानी पीने का नहीं है, टॉयलेट का दिक्कत है, बहुत सारा मूलभूत सुविधा तक अभी तक नहीं है। और हम लोग को 9 से 5 बजे तक बैठने के लिए बोला गया है। महिला कर्मी के लिए सुरक्षा का अभाव है। गाँव में हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर जाने के लिए जैसे साधन नहीं मिल पाता है, जाने में कभी लेट हो जाता है, आने में लेट हो जाता है, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब मांगे हैं। हम सब CHO को अभी तक कैडर नहीं बनाया गया, नियमितीकरण का हम लोग का कोई अभी तक अंधकार के तरफ हम लोग को रखा जा रहा है। हम लोग का वेतन जो है नियमित कर्मी का वेतन हमसे कहीं 2 गुना 3 गुना ज़्यादा, हम लोग को वेतन कम मिलता है, काम हम लोग उतना ही करते हैं। ये भेदभाव है हम लोग के साथ, दोहरी नीति हम लोग के साथ की जा रही है। इसलिए बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पे हम लोग जो है सो क्रमशः जो है सो निर्देशानुसार 22 जुलाई से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे चल रहे हैं। आज हमने राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के इस आदेश, दोहरी नीति के आदेश को हम लोगों ने जलाया है और ये हम लोग सरकार से मांग रखते हैं कि हम लोग की समस्या को सुनी जाए, हम सभी NHM कर्मी का शोषण बंद किया जाए, सभी को परमानेंट किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद। आपका परिचय? मेरा नाम दयानंद प्रसाद शाह, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।